एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेज टू पावर बाय सुमन सिंधवानी। एक्सरसाइज 7.6 फ्रैक्शंस, क्वेश्चन नंबर 6। ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू टू पीसेस। वन पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। एक वायर का पीस था बेटा जिसकी लेंथ 7/8 मीटर थी, ठीक है। उसको क्या किया गया, ब्रोक इंटू टू पीसेस, उसके दो टुकड़े कर दिए गए और उन दो टुकड़ों में से जो वन पीस था वो 1/4 मीटर लॉन्ग था। मीन्स दो टुकड़ों में से एक टुकड़े की लेंथ 1/4 मीटर थी। तो हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, तो हमें ये बताना है उसमें से जो दूसरा पीस बचा उसकी लेंथ क्या होगी। तो रिमेनिंग पीस की लेंथ बतानी है। टोटल लेंथ में से अगर हम वन पीस की लेंथ को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पीस की लेंथ आ जाएगी। तो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो लेंथ ऑफ पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर थी, इट ब्रोक इनटू टू पीसेस। ये बीच में हमने ऐसे लिख दिया ताकि हमारी स्टेटमेंट क्लियर हो जाए कि एक पीस कहाँ से आया। उसके बाद एंड लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल टू 1/4 मीटर, सो लेंथ ऑफ अदर पीस, तो दूसरे पीस की लेंथ क्या आएगी। टोटल लेंथ में से वन पीस की लेंथ को माइनस कर देंगे तो सेकंड पीस की लेंथ आ जाएगी। तो इसको माइनस करेंगे, अननाइक फ्रैक्शन है। 8 और 4 का आप एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे 8 और 4 का एलसीएम 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 4 जार, 2 2 जार, 2 2 जार और 2 1 जार, और ये हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 इधर के नंबर और ये लास्ट के, क्या आ गया 8। तो एलसीएम आ गया 8। उसी तरह से डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 7 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जार 7, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, और 2 1 जार 2, 7 − 2 5, 5/8 मीटर। सो क्या निकालनी थी, लेंथ ऑफ अदर पीस, तो लिख देंगे सो लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल्स टू 5/8 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, नंदनीज हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक ए बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। हाउ फार डिड शी वॉक, मीन्स नंदनी का स्कूल उसके घर से 9/10 किलोमीटर दूर है। कुछ डिस्टेंस वो पैदल चली और फिर उसने बस ली स्कूल पहुंचने के लिए, और बस से उसने 1/2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब आपको ये बताना है कि कितना डिस्टेंस वो पैदल चली। तो नंदनीज हाउस इज फार फ्रॉम हर स्कूल, नंदनी का जो घर है वो स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है, तो कुछ डिस्टेंस वो पैदल चली। जैसे आप मान लो बस से आते हो स्कूल, तो बस स्टॉप तक आप पैदल जाते हो, उसके बाद आप बस में बैठते हो स्कूल पहुंचते हो। तो उसी तरह से उसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 9/10 किलोमीटर है, और कुछ डिस्टेंस वो पैदल चली, और डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कितना था, 1/2 किलोमीटर। तो बाकी कितना डिस्टेंस जो बच गया वो उसने पैदल चला था। तो टोटल डिस्टेंस में से जितना डिस्टेंस उसने बस से कवर किया वो अगर हम माइनस कर देंगे तो डिस्टेंस शी वॉकड आ जाएगा। तो कितना पैदल चली वो, 9/10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था, उसमें से क्या माइनस करेंगे, 1/2। उसी तरह से फिर ये वही क्वेश्चन बन गया अननाइक फ्रैक्शन की सब्ट्रैक्शन का। तो इसी तरह से आप 10 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। जब दो नंबर सेम टेबल के होते हैं, जैसे 2 के टेबल पे 10 आ रहा है, तो बड़ा नंबर हमेशा एलसीएम होता है। ये भी एक मेथड है एलसीएम को बिना निकाले देखने का। तो 10 को 10 से डिवाइड किया 1, और 1 9 9, इसी तरह से 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5, तो 1 5 5, 9 − 5 4/10, और 4/10 हम देख रहे हैं दोनों 2 के टेबल के नंबर हैं, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, 2/5। इसका मतलब नंदनी ने कितना डिस्टेंस पैदल कवर किया, 2/5 किलोमीटर। सो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 2/5 किलोमीटर शी वॉक्ड। तो इतना डिस्टेंस उसने
पैदल कवर किया। क्लियर, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 8, आशा एंड सैमुअल हैज बुक शेल्फ्स ऑफ सेम साइज। आशा और सैमुअल के पास सेम साइज के बुक शेल्फ्स हैं। बुक शेल्फ मीन्स बुक रखने वाली अलमीराज हैं। पार्टली फिल्ड विद बुक्स, जो कि कुछ हिस्सा जिनका बुक से भरा हुआ है, मीन्स दोनों अलमीराज जो हैं वो पार्टली फिल है, उनके कुछ पार्ट बुक्स से भरा हुआ है। आशाज शेल्फ इज 5/6 फुल एंड सैमुअल शेल्फ इज 2/5 फुल। जो आशा की शेल्फ है वो 5/6 पार्ट फुल है उसमें बुक से, और सैमुअल की बुक शेल्फ 2/5 फुल है। तो हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल, तो किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा फुल है हमने ये बताना है, और बाय व्हाट फ्रैक्शन और किस फ्रैक्शन से, यानी किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा फुल है और कितनी ज़्यादा फुल है ये भी बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार पहले भी कर चुके हैं, एक एक्सरसाइज में आ चुका है। मीन्स हमें कंपेयर करना है आशा और सैमुअल की बुक शेल्फ को, कि किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है और किसकी बुक शेल्फ कम भरी हुई है। तो हम स्टेटमेंट लगा लेते हैं। सो आशा बुक शेल्फ इज फुल 5/6, सैमुअल बुक शेल्फ इज फुल 2/5। तो दोनों को हमने कंपेयर करना है किसी कम या ज़्यादा फुल है, तो कंपेयर किया हमने, इधर आशा लिख दिया इधर सैमुअल लिख दिया। अगर आशा की बुक शेल्फ कितनी भरी हुई थी 5/6 पार्ट, और सैमुअल की कितनी भरी हुई थी 2/5 पार्ट। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन के सम्स हमने पहले भी बहुत सारे किए हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई पहले भी किए थे हमने बहुत सारे सम्स, कि अगर दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम उनको क्रॉस मल्टीप्लाई से, और इस क्रॉस के दोनों नंबर कहाँ आते हैं इस तरफ, और इस क्रॉस के दोनों नंबर इधर आएंगे, 6 2 ज़ार। तो ये आ गया 5 5 ज़ार 25 और 6 2 ज़ार 12। साइन बेटा चाहे यहाँ पास मोर पूछा हो चाहे लेस पूछा हो, साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ ही आएगा, कि ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। तो हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन, हूज बुक शेल्फ इज मोर फुल, किसकी ज़्यादा भरी हुई है, 25 ग्रेटर है आशा के लिए, मीन्स आशा बुक शेल्फ इज मोर फुल। तो हम यहाँ से देख के लिख लेंगे, सो आशा बुक शेल्फ इज मोर फुल। आगे ये भी बताना है आपको बाय हाउ मच, कि कितनी ज़्यादा भरी हुई है। तो 25 में से 12 माइनस नहीं करना आपने, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई का आंसर था। उसकी बुक शेल्फ इतनी 5/6 भरी हुई है, इसकी 2/5 भरी हुई है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से हमने देख लिया कि आशा की बुक शेल्फ ज़्यादा भरी है, मीन्स 5/6 बड़ा नंबर है। तो माइनस करने के लिए बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, सो आशा बुक शेल्फ इज मोर फुल इक्वल टू 5/6 माइनस 2/5। फिर से अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करने का सम बन गया, 5/6 में से 2/5 को आपने माइनस करना है। उसी तरह से 6 और 5 का आप एलसीएम लोगे, 5 प्राइम नंबर है तो 6 5 30, सीधा ये एलसीएम आ जाएगा, आप चाहे साइड में करके देख लेना। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 ज़ार 25, माइनस 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6, और 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा। 25 में से 12 गए, 5 2 3 और 2 1 1, सो 13/30। तो 13/30 आंसर आ गया, मीन्स आशा की बुक शेल्फ सैमुअल की बुक शेल्फ से ज़्यादा भरी हुई है, और कितना पार्ट ज़्यादा भरा हुआ है वो कहते कितना आएगा, 13/30। तो आप आंसर लिखोगे, सो यही की यही लाइन लिखनी है आपको आंसर में, सो आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय, क्या फ्रैक्शन आई थी हमारे पास, 13/30, तो बाय 13/30 ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर, तो जब भी आपको बताने हैं दो चीज़ों में कंपेयर करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने देखा किसकी कम भरी हुई है किसकी ज़्यादा भरी हुई है, कंपेयर करने से पता चल गया, और उसके बाद माइनस करके पता चल गया कि किसकी कितनी ज़्यादा या कितनी कम भरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, जयदेव टेक्स 2:1/5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द स्कूल ग्राउंड। जयदेव स्कूल का ग्राउंड के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 2:1/5 मिनट्स का टाइम लेता है। राहुल टेक्स 7/4 मिनट्स टू डू द सेम,
तो राहुल उसी काम को करने के लिए, कौन से काम को करने के लिए, कि स्कूल के चारों तरफ एक चक्कर लगाने के लिए राहुल 7/4 मिनट का टाइम लेता है। हु टेक्स लेस टाइम, अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हु टेक्स, हुज बुकशेल्फ इज मोर फुल, ज़्यादा बताना था, अब क्या बताना है, हु टेक्स लेस टाइम, कि कौन कम टाइम लेता है एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन और कितने फ्रैक्शन से। तो सेम क्वेश्चन है, आपको कंपेयर करना है कि जयदेव स्कूल का ग्राउंड का चक्कर लगाने में 2:1/5 मिनट लेता है और राहुल कितना लेता है, 7/4 मिनट। तो आपको उसी तरह से कंपेयर करना है कि किसने ज़्यादा टाइम लिया या कम लिया, उसके बाद आपको उसी तरह से माइनस करना है। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं बेटा, जयदेव टेक्स टाइम टू वॉक अक्रॉस स्कूल ग्राउंड 2:1/5 मिनट्स, राहुल टेक्स टाइम 7/4 मिनट्स। अब आपको कंपेयर करना है कि किसने कम टाइम लिया, जयदेव का जो टाइम है वो मिक्स्ड न्यूमरल में है और राहुल का है फ्रैक्शन में, तो हम फ्रैक्शन को मिक्स्ड न्यूमरल में भी चेंज कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, या फिर मिक्स न्यूमरल से भी फ्रैक्शन बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि आगे हमें क्या बताना है, बाय व्हाट फ्रैक्शन भी बताना है, मीन्स माइनस भी करना है, और फ्रैक्शंस को माइनस या प्लस हम प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना के करते हैं, तो हम यहाँ मिक्स न्यूमरल को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 2 = 10 एंड 1 11/5 मिनट्स। तो जयदेव का कितना टाइम हो गया, 11/5 मिनट्स, राहुल का हो गया 7/4 मिनट्स। उसी तरह से हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लाईज को चेक कर लेना है कि किसने कम टाइम लिया, उसी तरह से 11 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 × 4 = 44 और 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर लेंगे, ये इस तरफ आ जाएगा, 5 × 7 = 35। तो 44 और 35 में से हमें बताना है हु टुक लेस टाइम, तो लेस टाइम 35 राहुल का है, लेकिन साइन तो इधर ही रहेगा ना ग्रेटर की तरफ, मीन्स ये ज़्यादा है ये कम है, तो किसने कम टाइम लिया, राहुल ने, तो नीचे हम लिखेंगे सो राहुल टुक लेस टाइम, और बाय हाउ मच भी बताना है, तो माइनस करना पड़ेगा बड़े में से छोटे को, तो बड़ा नंबर कौन सा है, कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है, 11/5 और स्मॉलर है 7/4, उसको हम माइनस कर लेंगे, फिर से वही सम बन गया आपका, अनलाइक फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना, तो एलसीएम लेंगे, 5 × 4 = 20 एलसीएम आ गया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 और 11 को 4 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 × 4 = 44, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 × 7 = 35, 44 − 35 क्या आ जाएगा, 9 9/20। सो राहुल टेक्स लेस टाइम बाय व्हाट फ्रैक्शन, बाय 9/20 मिनट्स, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास क्या थे, मिनट्स थे, सो आंसर आपके पास क्या आ गया, राहुल टेक्स लेस टाइम बाय 9/20 मिनट्स। तो इस तरह से ये हमारे पास ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेटा साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, सो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।